नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब हमेशा की तरह बहुत ही बढ़िया होंगे। तो दोस्तों आज हम चलिए बनाते हैं मखाने की बर्फी बनाएंगे। ये बहुत ही मतलब बढ़िया टेस्टी भी लगती है खाने में, और साथ के साथ इसमें ना बहुत ही कैल्शियम और इसमें प्रोटीन बहुत ही मात्रा में पाया जाता है, उसमें वसा बहुत ही कम होता है। तो स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से अगर देखें ना तो ये ना बहुत ही हेल्दी ऑप्शन है मिठाई खाने का, और बहुत ही झटपट से बनता भी है, और इसे बना करके रख भी सकते हैं 8 से 10 दिन तक आराम से फ्रिज में, तो ख़राब नहीं होती है। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। देखिए कितनी सॉफ्ट बनी है। तो इसके लिए कढ़ाई चढ़ा लेंगे गैस के ऊपर में, और मोटे तले का थोड़ा सा कढ़ाई लीजिएगा या फिर जो भी बर्तन या पैन ले रहे हैं, और इसमें हम डाल देंगे मखाने को और इसे ड्राई रोस्ट कर लेंगे। तो इसे देखिए भून लिया है, तो 4 से 5 मिनट लग जाता है इसे भूनने में। हल्का इसे धीमी आंच पर भूनेंगे जिससे कि जले नहीं, और इसे ना अब हम पीस लेंगे, ग्राइंड कर लेंगे। तो ये देखिए मैंने पीस लिया है इसे, ये देखिए। और अब हम चलते हैं इसकी आगे प्रोसेस में। तो इसको पहले निकाल लेते हैं एक बर्तन में, और इसी जार में ना अब हम डाल देंगे थोड़े से ड्राई फ्रूट्स, तो जो भी आपको पसंद हो। तो मैं इसमें काजू डाल रही हूँ, और थोड़े से ये काठ बादाम जिसे बोलते हैं ऑलमंड, ये डाल रही हूँ। और अब हम डाल देंगे इसमें डेसिकेटेड कोकोनट, जिसे कि मतलब पिसा हुआ जो नारियल का पाउडर मिलता है वो ले लेंगे, और इसमें डाल देंगे फ्लेवर के लिए इलायची। तो मैं 2 से 3 इलायची डाल दे रही हूँ उसमें, और इन सबको डाल करके ना पीस लेंगे। तो दोस्तों इसको जब हम पीसेंगे ना तो पल्स मोड पर पीसिएगा। और अब मैं उसी कढ़ाई में ले रही हूँ 1/2 गिलास दूध, और इसमें जब दूध में अच्छे से उबाल आ जाएगा ना तो इसे हम चलाते हुए थोड़ा सा मतलब गाढ़ा कर लेंगे इस दूध को। और जैसे ही इसमें थोड़ा सा मतलब हल्का गाढ़ा हो जाए दूध ना, तो इसमें डाल देंगे चीनी। तो मैं 1/2 कप चीनी ले रही हूँ, आप स्वाद के अनुसार ले लीजिए चीनी। तो ये डाल करके मिला दिया है मैंने, और ये जब अच्छे से गल जाए चीनी, पिघल जाएगा और ये थोड़ा गाढ़ा और होने लगेगा, तो अब हम डाल देंगे इसमें ये जो हमने पीस करके रखा हुआ है ये मखाने को, और इसे हम डाल देंगे और मिला देंगे इसे अच्छी तरह से। और अब हम डाल देंगे इसमें ये जो हमने बादाम पीस कर रखा है, काजू और इलायची, इसे भी डाल देंगे, और इन सबको डाल करके ना अच्छे से मिला लेंगे। मतलब मिलाते हुए ना इसे जब तक से ये गाढ़ा हो जाएगा तब तक से हम इसे पकाएंगे। तो ये देखिए इस तरीके से चलाते हुए ना इसे हम, तो देखिए ये चलाते हुए इस तरह से हम पका लेंगे इसे, तो ये मतलब गाढ़ा हो जाएगा, ये ठीक हो जाएगा। तो फ्रेंड्स मेरी रेसिपी पसंद आ रही हो ना तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, और अगर मेरी रेसिपी वीडियो पसंद आती है तो आप अपने दोस्तों में फैमिली फ्रेंड्स में शेयर भी कीजिएगा इस रेसिपी को। और मेरे चैनल पर अगर आप नए आए हैं ना तो प्लीज़ सब्सक्राइब किए बिना बिल्कुल मत जाइएगा। तो ये देखिए हो चुका है गाढ़ा, और अब हम डाल देंगे इसमें 1 चम्मच घी डाल देंगे, और इसे भी डाल करके हम मिला लेंगे। और अब हम कर देंगे गैस बंद। तो ये हमारी बर्फी के लिए तैयार हो गई है। आप चाहे तो इसके लड्डू भी बना सकते हैं, और या फिर चाहे तो इसे आप प्लेट में बर्फी का आकार दे सकते हैं। तो मैं थोड़ा सा इसे घी लगा दे रही हूँ एक प्लेट में, और इसमें हम डाल देंगे घी को, अच्छे से लगा दीजिए थाली में ताकि ये चिपके नहीं। और अब हम इसमें डाल देंगे इसको, ये देखिए, और इसे हम इक्वल कर लेंगे, बराबर कर लेंगे ताकि ये अच्छे से सेट हो जाए। और इसे इस तरह से रख करके ना इसे इक्वल कर लेंगे पहले तो, और इसे हम रख देंगे 1 से 2 घंटे के लिए ताकि ये अच्छे से सेट हो जाए। उसके बाद हम इसे मतलब कट करेंगे, इसे काटेंगे, और इसके ऊपर ना आप ड्राई फ्रूट्स वगैरह और डाल दीजिए। तो मैं थोड़ा सा और पिस्ते बादाम इसके ऊपर डाल दे रही हूँ, तो ये टोटल ऑप्शनल है। अगर पिस्ता बादाम ऊपर से नहीं डालना चाहते हैं तो भी बर्फी बहुत ही बढ़िया बनेगी। तो ये थोड़ा सा देखना है, दिखने में अच्छा लगे, तो इसलिए मैं ऊपर से डाल दे रही हूँ। और इसे इस तरह से हाथों से डैप करेंगे ना तो अंदर चला जाएगा ये हल्का, और इसे रख देंगे 1 से 2 घंटे के लिए। और ये देखिए ठीक हो चुका है, मैं रख दी थी 2 घंटे, और अब हम इसे काट लेंगे। तो ये पहले साइड की ये मतलब इसके किनारे को हल्का सा कट करके निकाल दे रही हूँ। और इसे आप जो भी आकार देना चाहते हैं, बर्फी का रूप या फिर आप इस तरह से क्यूब जैसा काटना चाहते हैं, तो जिस भी आकार में काटना चाहते हैं इसे आप ज़रूर काट लीजिए।
तो ये देखिए मैं काट ले रही हूँ। और दोस्तों ये बहुत ही बढ़िया टेस्टी लगती है खाने में ना, आप इसे बना करके ज़रूर देखिएगा। और इस मिठाई को आप ना कोई पर्व त्यौहार में भी खा सकते हैं, जैसे कोई फास्टिंग वगैरह कर रहे हैं ना तो उसमें भी आप इसे खा सकते हैं, क्योंकि ये घर की बनी हुई शुद्ध मिठाई है और टेस्टी के साथ साथ हेल्दी भी है, तो बनाइएगा ज़रूर दोस्तों। और बहुत ही बनाना आसान है, देखा आपने कितनी आसानी से बन गया, कोई इसमें मतलब चाशनी वगैरह बनाने की कोई झमेला नहीं है, झंझट नहीं है और फटाफट से बन जाता है, तो आप बनाइएगा ज़रूर। और आप चाहे तो इसका लड्डू भी बना सकते हैं, बर्फ़ी नहीं जमाना चाहते हैं तो वो भी बहुत ही आसानी से बन जाता है। तो ये देखिए बन गया है हमारा मिठाई, इस तरीके से बन करके तैयार हुआ है। और जो मैं एजेस जो किनारे में जो मतलब काट के रखी थी ना, जो साइड से थोड़ा बहुत निकल गया था, तो उसका मैं लड्डू बना ली हूँ इस तरीके से, ये देखिए। तो आप चाहे तो पूरा लड्डू भी बना सकते हैं और आप इसे स्टोर करके रख सकते हैं फ्रिज में, मतलब 8-10 दिन तक ख़राब नहीं होता है बिल्कुल भी, तो आप बनाइएगा ज़रूर। और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों में। दोस्तों और भी कई एक वीडियो है मेरे चैनल पर रेसिपीज की और स्वीट्स की भी, तो मैं उसका लिंक वगैरह दे दूंगी नीचे में, आप चाहे तो चेकआउट कर सकते हैं। तो दोस्तों मिलते हैं कुछ नए रेसिपी के साथ में नए वीडियो में, तब तक टेक केयर एंड बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग।